जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल दोनों एक ही दोनों से मिलके बने होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो मैग्नेटिक सर्किट क्रिएट नहीं होगा। मैग्नेटिज्म एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर में फ्लक्स जनरेट होता है वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के या करंट के जनरेट नहीं हो सकता है। तो है तो दोनों एक ही चीज़, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है, दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आपको। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़े। तो फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कैसे होता है और मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक आपका, मैं बहुत बड़े एग्जांपल को नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सिंपल को आप कनेक्ट करते हो, और एक करंट होती है एक सोर्स के एक टर्मिनल से चल के वो करंट राउंड होके उसके जस्ट न्यूट्रल टर्मिनल या फिर निगेटिव टर्मिनल आके कंज्यूम होती है। तो एक करंट का क्लोज पाथ कंप्लीट होता है, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। बट मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो नहीं होता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होती है, बट वहाँ पे आप, लेकिन आप समझिए, अगर करंट फ्लो हो रही है तो एक जगह से कम होती है दूसरी जगह पे बढ़ती है, क्योंकि धीरे धीरे उस, जैसे मान लें मैंने डीसी सोर्स ले लिया, डीसी सोर्स में पोटेंशियल कम होता रहता है धीरे धीरे, तो वहाँ पे कम होता है। बट अगर मैग्नेटिक सर्किट की बात करूँ तो मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा नहीं होगा। लाइक अगर ट्रांसफार्मर है तो आपने एक प्राइमरी साइड में कॉइल लगा दी, उसके बाद उसमें आपने वोल्टेज अप्लाई की, करंट की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट तो हुआ, लेकिन वो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स लाइन उस कोर में, यानी कि जो आपका आयरन बॉडी है, स्टील आयरन जो भी आयरन है, उसमें वो फील्ड लाइन सेटअप होती हैं, नॉर्थ से चल के साउथ में जाती हैं। बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं कि जो हमारी फ्लक्स है वो फ्लो हो रहा है। फ्लक्स फ्लो नहीं होता। अगर फ्लक्स फ्लो हो रहा होता तो नॉर्थ से चलता साउथ में जाता, तो नॉर्थ में धीरे धीरे कम होता और साउथ में धीरे धीरे बढ़ता जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमारा प्रॉपर वो वेव्स जो होती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, वो कंप्लीट बनी रहती हैं। इसलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं वो हमेशा सेटअप होती हैं, ना कि फ्लो होता है। दूसरी चीज़ की मैं बात करूँगा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमें इलेक्ट्रिक करंट की बात करो तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस हमारा, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा हमारा करंट उतना स्लो फ्लो होगा। किसी भी सर्किट के अंदर जितना हाई रेजिस्टेंस होगा करंट उतनी कम उसके अंदर से फ्लो होगी। और मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूँ, मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर हमारा जो रेजिस्टिविटी का काम करता है वो काम करता है उसका रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस कारण की वजह से हमारा मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है आयरन को। तो ये रिलक्टेंस का क्वेश्चन है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए आप समझ लीजिए बस कि रिलक्टेंस जितना ज़्यादा कम होगा किसी भी आयरन का या फिर किसी भी मेटल का, उतना ज़्यादा उसमें फ्लक्स लाइन अच्छे से पास होंगी, फ्लो होंगी, जैसे कि हमारे लाइक सेटअप होंगी। तो इसलिए उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है डिपेंड करती है उसके रिलक्टेंस पे। तो जो थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, लेंथ और एरिया पे। इस चीज़ों पे हमें डिपेंड करता है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा किसी भी मेटल का या फिर किसी भी बॉडी का। तो इन सब चीज़ों पे हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बट लेकिन उसकी भी एक सिचुएशन होती है कि अगर उसकी फिजिकल कंडीशन सेम है तब वो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो डिपेंड करता है इन तीनों चीज़ों पे। लेकिन तो इससे भी रिलेटेड मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ओम्स लॉ पे बना रखा है, आप वीडियो को आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वहाँ पे एक ओम्स लॉ एक जगह पे फेल भी होता है, लेकिन वो किस लिए फेल होता है ये भी मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमारे मेटल की प्रॉपर्टी, एरिया, लेंथ, इन सब चीज़ों पे, ना कि करंट और वोल्टेज पे। इस चीज़ से मैंने एक रिलेटेड पर्टिकुलर एक अच्छा सा वीडियो ओम्स लॉ बना रखा है, आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट करिए। वीडियो में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा वहाँ से। तो ये तो बात हो गई कि हमारा करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता, ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो करंट पे ही डिपेंड करता है। अब करंट पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमारा जो कोर है, मान लिया कोर में हम अप्लाइड जो हमारी वाइंडिंग है उसमें हम करंट लगाएंगे तब ना जाके हमारी फ्लक्सेस क्रिएट होंगी, जो हमारा फ्लक्स लाइन सेटअप होता है वो क्रिएट होगा,
अदरवाइज नहीं क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है ये तो हमारा डिपेंड करेगा ही करंट पे, तो ये भी डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो वहाँ पे हमारी रेजिस्टिविटी करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन यहाँ पे करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस अगर आपको किसी को बताना है तो ये आइडिया आप दे सकते हैं। मे बी मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब अभी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कि हम ऐसे इंटरेस्टिंग रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।